Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Assalamu alaikum, namaskar. BK News में आपका स्वागत है. मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं BK News. गुलबर्गा जगत सर्कल पर अलन विवाद को लेकर प्रोटेस्ट किया गया. बेगुजरों को रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा. अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है. अलन में दरगाह हजरत लालडे मशाक और शूलिंग को लेकर विवाद चल रहा है. उसी के चलते 28 फरवरी से 3 मार्च तक अलन में धारा 144 लागू किया गया है. इसका उल्लंघन कर कल रामसेना और बीजेपी सेंट्रल मिनिस्टर एमपी बिदर भगवंत खोबा, एमएलए सुभाष रुकमैया के अलावा और भी कई लोगों ने मिलकर धारा 144 का उल्लंघन कर दरगाह लालडे मशाक पहुंचकर शूलिंग पूजा की. आज सुबह से अलन के कई मुस्लिम युवाओं को अरेस्ट किया गया, जिसके विरोध में गुलबर्गा के जगत सर्कल पर प्रोटेस्ट कर मांग की के जितने भी बेगुनाह युवाओं को अरेस्ट किया है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए. बेगुजरों को रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा. और जो धारा 144 का उल्लंघन किए एमपी एमएलए और रामसेना के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जाए ना हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे. इस तरह से प्रोटेस्ट कर गुलबर्गा जगत तालाब पर लोगों ने आवाज लगाई. 144 का वायलेशन करने वालों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा. 144 का वायलेशन करने वाले एमएलए एमपी को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा. आलो आंदोलन सिद्धलिंगया स्वामी को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा. क्रिमिनल सिद्धलिंगया स्वामी को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा. केआर के गिरी सिल्क एंड सारी, राज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, एसवीएस टायर्स, टोटल टायर सोल्यूशन इन वन यूनिट. कुमार को जेल भरना है, पूरे गुलबर्गा के नौजवान रेडी हैं, पूरे गुलबर्गा के नौजवान रेडी हैं. हमारी मस्जिद का तुम तहफ्फुज़ नहीं कर सकते, हमारे दरगाहों का तुम तहफ्फुज़ नहीं कर सकते. इसीलिए हम लोग उतर कर दरगाह की तहफ्फुज़ कल किए थे. हमारी कोई वजह नहीं थी वहाँ पर जमा होने की. बाहर से आने वालों के ऊपर कार्रवाई करना है, वो एमपी के ऊपर, वो एमएलए के ऊपर, पूरे उनके ऊपर कार्रवाई करना है. जितने भी नौजवानों को अरेस्ट किए हैं एसपी और डीसी यहाँ पर आकर हमारे को एश्योर करना है कि किसी भी इनोसेंट नौजवान को गिरफ्तार नहीं करेंगे. यहाँ पर सिर्फ कुछ गुलबर्गे की कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पर गुलबर्गे का हर नौजवान है, हर तंजीम है. बिना किसी तफरीक के हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं. हमारे लिए गाड़ियाँ लगा कर खड़ा किए हैं एडवांस, हम वो गाड़िया में बैठ कर जाने के लिए रेडी है, मगर बेखुसरों के खिलाफ कार्रवाई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. खुसरों को रिहा करना होगा, बेगुजरों को रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा. अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. ये जो देश स्वप्निल म्यूजिकल इवेंट ऑर्गेनाइजर विद सिंगर स्वप्निल कुमार. अलन में जो खौफ का माहौल था, हम अलन में उस वक्त दरगाह में खड़े हुए थे. वहाँ पे जो माँ और बहने आए थे वो वायलेशन करने के लिए नहीं आए थे, वो लॉ ऑर्डर खराब करने के लिए नहीं आए थे. वो माँ और बहने अपने दरगाह के, अपने अपने शहर के, अपने दरगाह के, अपने गांव के दरगाह की तहफ्फुज़ के लिए आए थे. उन्हें पुलिस के जरिए, पुलिस के आला ऑफिसर के जरिए समझाया जा सकता था कि 10 लोग जाना है अंदर. कमेटी उसको एक्सेप्ट कर चुकी है, जितने कायदीन वहाँ पर थे वो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं इस बात को. ये बात अगर वहाँ ठहरे हुए मेरी माँ और बहनों को बताया जाता तो माँ और बहनें वापस चली जाती थी. लेकिन ये तमाम चीजें होने के बावजूद वहाँ के लीडर्स 10-10 लोग अंदर जाना है बोलकर चले गए. जब औरतों को समझ में नहीं आया, जब औरतें बेकाबू हो गई तो पुलिस अपनी गुंडागिर्दी करते हुए बेचारे मेरी माँ और बहनों पे लाठीचार्ज किया. उसके बाद आज सुबह से फजर की नमाज के बाद से हर एक घर में घुस रहे हैं, वहाँ पर वायलेंस कर रहे हैं, घर बस खाकर लोग मर रहे हैं. फिर भी पुलिस जो है होश में नहीं आ रही है, हमारे लीडर्स होश में नहीं आ रहे. इसलिए आज शहर गुलबर्गा का नौजवान जगत सर्कल पर आकर बीजेपी हुकूमत के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद कर चुका है. अगर ये भी वायलेंस है, हम जेल भरो आंदोलन करने के लिए तैयार है, इन गाड़ियों में जाने के लिए तैयार है. हम हर वो काम करने के लिए तैयार है जो संविधान हमें इजाजत देता है.
संविधान के दायरे में रहते हुए हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।